हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं नंगा स्टाइल अवार्ड शो बाय मीठी। तो अभी हम स्टाइल अवार्ड्स पर काफ़ी ज़्यादा लोग अजीब तरह का फैशन करके आए थे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मैंने भी देखा, कोई ऑक्सीजन मास्क, पता नहीं अजीब सी चीज़ें पहन के आ गया है। तो देखते हैं मीठी किस तरह से रोस्ट करते हैं। हियर वी गो। ये सही है, इनका उम्मीद से होंगे। किसी ने हमें दासा ही नहीं कि पाकिस्तान में अब किसी से कम नहीं है। पूरी दुनिया के हर एक मैदान में हम अच्छे वाले टक्कर दे रहे हैं सबको। मैंने फैशन शोज पे ना 3 वीडियोस बनाई थी, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, पर आज जो तुम फैशन देखोगे ना, वो फैशन कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों मैंने इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे स्क्रॉलिंग करते हुए ट्रेंड्स देखे, मेरे तो तोर बोर ही लगे। मुझे लगने लग गया कि मैं कहीं लंदन पेरिस यूके रहता हूँ, क्योंकि ऐसे बॉडी बिल्डिंग वाले फैशन तो वहीं पे होते थे ना सर। तो अपनी बिल्डिंग वाली ग्लासेस लगा लो तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले हाथ बांध के फुल तमीजों तमत्तर के साथ अर्ज किया है, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो डोंट टेक इट सीरियसली। एंटरटेनमेंट, हम भी एंटरटेन होने ही आए हैं। ये सही मिक्स किया है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तानी एक्टर्स के फैशंस, फिर उस पे तबसरे, उसके बाद जो पाकिस्तानी मीमर्स हैं उस पे मीम्स बनाई हैं, वो चेक करवाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को पहले से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एंड पे वीडियो को लाजमी शेयर करना। जब ये फैशन जो शुरू हुआ था ना, सबसे पहले बुलाया गया आयशा उमर को, क्योंकि आयशा उमर ने ड्रेस ही ऐसा पहना हुआ था ना कि पूरे सेट पे आयशा उमर को बहाने से सैर करवाई गई, और इसी बहाने उससे सफाई भी करवा ली। आयशा उमर की अम्मी रजाइयों के लिए एक थान लेके आई थी, वो घर पे थान ढूंढ रही है और ये अपने ऊपर लपेट के फैशन शो में आ गई। आयशा उमर ने इतना ज्यादा अपने पीछे कपड़ा लटकाया हुआ था ना, 2-3 लोगों का इसके ऊपर पैर आ गया और आयशा उमर की 2-3 दफा तो बुची पै गई। जब आयशा उमर ने कहीं से गुजरना, सिक्योरिटी वाले पहले फाटक बंद करते थे, फिर आयशा उमर को नगाते थे। जैसे आयशा उमर हो गई, ट्रेन हो गई, आधा घंटा यही गुजरती रहती थी। फिर सिक्योरिटी ने हालांकि वाकियात को मद्देनजर रखते हुए आयशा उमर से अपील की कि ताड़ी मेहरबानी, हमने कौन सा 6 मरबा मील का सेट बनाया है, छोटा सा सेट है हमारा, हम आपको कहाँ पे बिठाए, आपको वक्रे एक मरले में मंजी डाके देनी पड़ेगी, फिर आपका होगी, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, इस पूंछ को अपनी को ला दे। फिर आयशा उमर को हल्की हल्की मीठी मीठी फील हुई, तो आयशा उमर ने इसको उतार दिया। आयशा उमर ने अपनी फ्रंट इसके बाद हम बात करते हैं कि लेंडी की छोटी बहन की फ्रॉक ड्रामे में आई थी ना, तो बड़ी मासूम सी क्लूट सी लगती थी। इसी क्लूटनेस पे ना 100 तोले की ऑफर भी हो गई थी, पर उसके बाद इस पे पता नहीं सास ने तवीद करवा दी है कि एक सॉन्ग में ब्रांड पाके तुम्हार पाती नहीं। एक ऐड आई थी जिसमें अलीजे शाह ने बटन खोल के फुल बदमाशों वाली तस्वीर बनाई हुई थी। हालांकि उन दोनों दफा अलीजे शाह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे थी, बहुत सारी मीम्स बनी, ट्रोल किया गया, सभी को लगा था कि लैव जिन्नी ये हो गई है ना, वो नहीं अदा करती। पर इस दफा अलीजे शाह कोला कटिंग करवा के मोटो तक नंगी पुंगी हो गए, छोटी बहन की फ्राक पहन के आ गई। फ्राक पहन तो ली, पर ये हिसाब यही था कि जैसे लड़कियां फेयरवेल पार्टी में छोटी बहन की तो नहीं लग रही है, जूती पहन लेती है, वो चलना आता नहीं होता, कभी इधर बजती है कभी उधर टिकती है, एंड में गिट्टा कढ़ा के घर को चली जाती है। अलीजे शाह का भी वही हाल था, एटी वड्डी फ्राक थी और माड़ी सी जान, पूरे अवार्ड शो में अपनी फ्राक उठा के फिरती रही और उसे सेट करती रही, और इस तरह की ड्रेसिंग देखने के बाद ना अलीजे शाह एक दफा फिर से ट्रेंडिंग पे आ गई है। उसके उनका हेयर स्टाइल बड़ा कूल लगता है मुझे, कार्टून शो था। सबसे पहले ना हम इस पाई के ड्रेसिंग का मुआयना करते हैं, नीचे से इसने नाइटी पहनी हुई है, उसके ऊपर ये है कौन यार अपर पहना हुआ है, एनक को इतना बड़ा संगल पाया हुआ है पता नहीं पूतर जाती है, और हाथ में वो सोटी पकड़ी हुई है जो बैंड बाजी वालों ने पकड़ी होती है। जून जुलाई की गर्मी में इतना कुछ इसने पहना हुआ है, पता नहीं है पागल है कि जान के लगा। उसके बाद इस भाई को देखो, इस तरह के बंदे होते हैं जो काले जादू की ट्रेनिंग देते होते हैं, कोई 18 अंगूठियां पहनी हुई है, कड़े पहने हुए है, मुंह पे छोटे कद की बकरी की खोपड़ी लगाई हुई है। जिस तरह की इन दोनों ने ड्रेसिंग की है ना, मेरे ख्याल से ना इन्हें शो के गेट पे खड़ा किया होगा, जितने ये ड्रावने लग रहे है ना, इन्हें बताया
क्या होगा कि किसी भी गैर बंदे को ना अंदर नहीं आने देना, और अगर ना भी डरे ना तो ये सोटे ही उसके मार देने हैं। इसके बाद और भी काफी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो भी मैं तुम्हें चेक करवाता हूँ बराबर से। ये तुम चेक करो, इसकी ड्रेसिंग वगैरह तो ठीक है, पर हेयर स्टाइल चेक करो। ऐसे नहीं लगता कि बाल सुखाने के लिए डाले हुए, बकरी पे बंदी लगाई हुई है, वो आंख भी कह रही होगी कि यार मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। ज्यादा पिंपल हो गए होंगे करो इसलिए सोशल मीडिया पे इनकी टका के हुई। फिर बाद में इन्होंने वजह देते हुए कहा कि मेरी आंख सूजी हुई थी, पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है तभी करते हैं लोग ऐसा। बनाना पड़ा, पर ये मैं अवार्ड, इससे बेहतर है चश्मा लगा लेते, फ्री गारंटी मिलनी थी। इसके बाद ना इनसे मिलिए, ऐसा कुछ चश्मा लगा लेते। छोटी बहन इनको चेक करो, इनके सूट पे पता नहीं हाइलाइटर डुल गया था, ये शायद सोनिया हुसैन है। बच्चे अपनी कॉपियों पे निशान लगाते होते हैं, इतना तेज कलर था ना इनका कि पूरे अवार्ड शो में आंखों को लग रही थी। ये जैकी चैन की बहन को चेक करो, जिसे और कुछ मिला नहीं तो स्फेयर तो होती, कोई बुकल मार के आ गई। ये लोग है कौन यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये सब मॉडल्स होंगे। मीमर्स ने तो इन पे मीम्स बनाई ही बनाई, पर दूसरे जो एक्टर्स थे ना उन्होंने भी इनकी मिट्टी मिट्टी की। काफी सारे दूसरे एक्टर्स, वो जो पुराने एक्टर्स थे ना, उन्होंने भी अपने राय का जाहिर किया। उन्होंने भी अपने वालों कहा कि यार हयानो आत्मानो तानू की हो गया है, अब ना मैं तुम्हें कुछ मीम्स या करवाता हूँ जो इन पे बनी है। पाकिस्तानी अब तो खुश हो ना, उसने उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके जो भी नंगी थी वो सारी कवर करके अबाया पहना दिया। फिर पाकिस्तानी अब तो खुश हो ना, when you try copy Deepika Padukone but you end up looking like a dumpster fire, perfect example of क्या से क्या हो गए देखते देखते। जब ऐसे वफा में आई थी ना तो कितनी मासूम क्लोड सी रही, पर क्या से क्या हो गए देखते देखते। हम स्टाइल अवार्ड शो कम और नमूना स्टाइल अवार्ड ज्यादा लग रहा है। नमूना स्टाइल लग मुझे भी ऐसे ही रहा है। रिलैक्स गाइस, सेलिब्रिटीज को भी इवेंट पे पिंपल्स निकलते हैं, यू आर नॉट ओनली वन। तुम्हारी तो शब्बीर जैसी पिंपल निकला हुआ। This is Islamic Republic of Pakistan. क्या आपको भी ये जहर लग रही है? जी कुछ जी। और ना सही, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आने वाले इस्लाम का ही लिहाज कर लिया होता, पर क्यों कितने नोट एनी लत्ती चढ़ी। अब हम उस दौर में आ गए कि जहाँ इन लोगों को गलत बोलो ना तो लोग कहते हैं तुम्हारी सोच छोटी है। हाँ, इस तरह के काफी लोग इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में भी मिलेंगे, जो बोलेंगे कि तू ना देगा तेनू कोई मसला। मुझे तो ना अवार्ड शोज पहले ही बहुत बकवास लगते थे, पर अब तो ना ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के बकवास लग रहे हैं। क्या यार, ना अपने औरत होने का इन्होंने लिहाज रखा, ना पाकिस्तान का लिहाज रखा, ना इस्लाम का लिहाज रखा। नोट एनी लत्थी चढ़ी। पहले तो बहस यहाँ तक थी ना कि दुपट्टा उतार दिया है, अब तो शर्म ही आ चाका सब कुछ उतार दिया है। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अवाम की आइडियल होती है, अगर वो ही इस तरह के काम करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। कोई भी कपड़ों का ट्रेंड हो, जूतों का ट्रेंड हो, हेयर स्टाइल का ट्रेंड हो, वो लाने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ही होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि ये आवाम के आइडियल होते हैं, लोग इनको फॉलो करते होते हैं। अगर यही लोग इस तरह के बगैरती को प्रमोट करेंगे तो बाकी आवाम फिर क्या करेगी। तो बस यार, बस आज के लिए ना इतना ही काफी है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि इस तरह होना चाहिए या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी लाजमी बताना, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना। और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो मुझे मेरी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा यार कि एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग तो चलो फिर भी कह सकते ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज का फैशन है, जैसे अमेरिका में या हॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड में भी अब वही हो गया, सब गाउन वगैरह पहन कर आते हैं। बट जो और बट जो उन्होंने किया है वो ऐसा लगा के चूहे की हड्डी ऐसी मुंह कंकाल टाइप का लटका लिया, अजीब सा वो अजीब सा मास्क लगा लिया। मतलब वो शो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं क्या वो कि ग्लोबल वार्मिंग का कुछ दिखा रहे हैं कि भाई आगे जाके आप तुम बहुत सारे पेड़ काट रहे हो तो अब आगे जाके ऑक्सीजन की कमी आने वाली, या कोरोना सा कुछ इंस्पायर था उनका जिससे ऑक्सीजन की कमी आ रही है। मैं तो ये समझ रहा था कि वो कुछ मतलब कुछ थीम सोच के आए होंगे दोनों भाई, कि भाई अपन ने ऐसा ऐसे कपड़े पहन के चलेंगे, दोनों ने डिसाइड किया होगा क्योंकि उन दोनों को ही देखा गया। क्या सेंस थी, कोई सेंस ही नहीं थी उस बात की यार, कोई सेंस। चलो पहना वो यार गाउन्स वगैरह तो चलो ठीक है, चलो अभी ट्रेंड में चल रहा है अजीब से, अदर कंट्रीज को उन्होंने फॉलो किया होगा, बट इन्होंने किसे फॉलो किया, ये किससे इंस्पायर, राजा बाबूशा को। राजा बाबूशा दसवीं सदी के राजा बाबूशा। तो उस टाइम के कपड़े इन्होंने पहने थे कुछ। बट यार हाँ, मैं वैसे मैंने देखा है फैशन इंडस्ट्रीज के अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं वहाँ पर जरूर पहने देखा है मैंने,
इस तरह के कपड़े लोगों को, इस तरह के लिबास जो ऐसे कहीं से भी कुछ भी लटका के आ अच्छा, जाते, उन्हें हम पहचानते नहीं है और उन्हें हम जानते भी नहीं है। लेकिन मूवीज और ये ड्रामा से रिलेटेड अवार्ड शोज है, हॉलीवुड वालों को देखो यार, वो ऑस्कर में जाते तो एकदम सूट वूट पहन के जाते और ये क्या है, मतलब कुछ भी, क्या शो करना चाह रहे हैं, कुछ तो भी चलेगा मतलब है? फैशन के नाम पे रिलेटेड कोई अवार्ड शो हो तो चलो ठीक है, अब ये हम अवार्ड्स था इसमें तो सब फैशन के, सब मुझे लगता है ड्रामा, हम स्टाइल अवार्ड्स था ना, स्टाइल अवार्ड था, बट एट द एंड वहाँ पर अवार्ड तो एक्टर्स को ही मिलना था ना, जो बेस्ट एक्टर, बट उसका लेना देना नहीं था, जो ड्रेसिंग थी उसका कोई लेना देना नहीं था, जो एक्चुअली वो जो बंदे थे मैं पहचानता भी नहीं हूँ, मैं खुद नहीं जानता यार, वो अजीब भी नहीं पहचानता थे बहुत सारे, सिर्फ मैं इसमें अलीजे शाह और आयशा उमर को ही जान पाया हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता मैं। हाँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, चलो अच्छा है कि ऐसे स्टार्स नहीं पहना जिन्हें हम जानते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सारा खान ने एकदम बेस्ट कपड़े पहने थे, सलवार कमीज बेस्ट है यार। तो उनसे एक ने किसी ने पूछ लिया था, वो क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी ने पूछ लिया कि आप किसके वली में जा रहे हो मतलब अवार्ड शो में सलवार कमीज तो क्या दिक्कत है यार, ट्रेंडिंग मतलब जो ट्रेंड है उससे हटके एक उन्होंने खुद का ट्रेंड बनाया और यह ट्रेंड हटेगा नहीं, ये सलवार कमीज वाला ट्रेंड तो सदियों से चलता रहा। सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने कल्चर को फॉलो किया, क्या प्रॉब्लम है, अवार्ड भी एक तरह ट्रेडिशन को फॉलो किया है, अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन को फॉलो किया और अवार्ड भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई अलग ड्रेसअप होता है, उससे क्या मसला है। हाँ ये मुझे तो समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब वो उनकी मर्जी है, वो जो पहने पहने, बट हाँ वो वियर्ड वाला फैशन का कोई सेंस नजर नहीं आया। तो भाई लड़के हम नहीं बोल सकते, हम खुद लड़के हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, कौन क्या पहन रहा है उस पर कमेंट नहीं कर सकते हम, अब उनकी मर्जी जो पहनना है पहने, बट हाँ वो वियर्ड वाला ज्यादा ही अजीब लग रहा है। कुछ अजीब से कपड़े ना पहनो यार, कम से कम कि लोग हंसी उड़ाए या मीम्स बनाए, मीम का मुझे लगता है यही एक मकसद होगा उनका कि मीम बन जाए तो थोड़ा फेमस हो जाए, ये भी थोड़ा नाम हो जाए, क्योंकि हम भी उनको एक्चुअल में जानते नहीं है और हम पाकिस्तान के, अलीजे शाह को तो जानते हैं हम, बट उनका उनके कपड़े इतने भी वियर्ड नहीं थे, अलीजे शाह के कपड़े यार, अलीजे शाह के काफी हद तक ठीक थे कपड़े, अच्छे थे बट जो उन्होंने पहने वो उनका मुझे लगता है यही मकसद हुआ कि न्यूज में आ जाएंगे, ट्रेंड में आ जाएंगे, नाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, बस वही बात है। चले ये बताओ आपको कैसा लगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, कमेंट करके बताओ, अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।